रखा गया है और उसके आसपास से कई सारे लोग गुजर रहे हैं। कुछ लोग उस सूटकेस को देख भी रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सूटकेस आखिरकार किसका है। पुलिस ने इस पूरे टास्क को इसलिए लिया गया है, इसलिए सूटकेस को वहाँ रखा गया कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है और उस पर लोग क्या कमेंट करते हैं या किस तरह से उस पर लोग प्रतिक्रिया दिखाते हैं। इस तरह के सूटकेस को वहाँ रखा गया है, अनजान तरीके से उस सूटकेस को वहाँ पर रखा गया है और काफ़ी सारे लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों ने देखा भी सही, पर पुलिस को अभी तक किसी ने सूचना नहीं दी है, जबकि पुलिस को भी आप देख सकते हैं कि उसके 3 से 4-5 फीट दूरी पर ही पुलिस मौजूद है, पर फिर भी अभी तक किसी भी व्यक्ति ने उस सूटकेस की सूचना पुलिस को नहीं दी है। टिकट की खरीदी कर रहा है, मतलब लगभग यदि बात की जाए तो यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद है। इन्हीं के बीच वो सूटकेस अभी भी वहीं रखा हुआ है और करीबन 20 मिनट हो गए हैं सूटकेस को यहाँ पर रखे हुए, पर अभी तक उसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति ने उस अनजान सूटकेस की जानकारी पुलिस को नहीं पहुँचाई है। ऐसे कहा जा सकता है उसके आसपास चारों तरफ पुलिस मौजूद हो गई है और काफ़ी सारे लोग उसके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस तफ्तीश करने में लगी है, पुलिस उसे सील कर रही है, उस प्लेस को सील कर रही है कि एक अनजान सूटकेस जब पाया जाता है तो किस तरह से बैरिकेडिंग की जाती है ताकि उसके आसपास कोई आया ना जा सके। आप देखिएगा कि वहाँ पर सुरक्षा टेप लगाई जा रही है, एक बाउंड्री बनाई जा रही है जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आ ना पाए। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर BDS टीम पहुँचेगी और उस सूटकेस की जाँच करेगी कि आखिरकार अज्ञात सूटकेस किसका है। और देखिए लोगों में उत्सुकता है और लोगों को वहाँ से हटाया भी जा रहा है कि क्या है। पुलिस लोगों को वहाँ से दूर भेजने का प्रयास कर रही है। जब भी कोई अनजान सूटकेस मिलता है या फिर कोई अनजान वस्तु दिखाई देती है तो पुलिस इसी तरह का एक्शन लेती है। लोग काफ़ी आ चुकी है और अब ये BDS टीम के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर उतरेंगे और फटाफट तेज़ी से उस सूटकेस की जांच करेंगे। BDS टीम के अधिकारीगण यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, BDS टीम अपने पूरे जांच उपकरण के साथ यहाँ पर पहुँच चुकी है, साथ में ही BDS का पूरा दस्ता यहाँ पर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि उसमें से सामान उतारा जा रहा है और उसी के साथ डॉग स्क्वाड टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये डॉग स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी बम बारूद या उसको जांच कर पता करने में और उससे डिस्पोजल को पता करने में। सुरक्षा उपकरणों को यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि उस सूटकेस की जाँच की जा सके। डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और डॉग को ये काफ़ी प्रशिक्षित डॉग होते हैं जो कि किसी भी बम या होने की सूचना या उसे सूंघ कर दूर से ही बता देते हैं। तो डॉग को स्क्वाड टीम वहाँ पे पहुँच रही है, उस सूटकेस के पास ले जाया जा रहा है। अब वो डॉग उसे सूंघ कर ये जांच करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस सूटकेस में क्या है। यदि उसमें कुछ होगा तो वो अपना कुछ एक इशारा देगा और जब उसे इसी तरह ट्रेन किया जाता है वो कुछ संकेत दे रहा है, जिस तरह से आप बता सकते हैं कि वो किस तरह से संकेत दे रहा है। उसके संकेत उन्हीं को पता होता है कि जिस तरह से वो संकेत देगा उससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस सूटकेस में आखिरकार है क्या। इस चीज पूरे नज़ारे को देख रहे हैं और लोगों में एक भय सा है कि आखिरकार उस सूटकेस में है क्या। चारों तरफ लोग खड़े होकर उसकी तफ्तीश को देख रहे हैं, जिस तरह से पुलिस उसमें तफ्तीश कर रही है। सुरक्षा उपकरण लगाया जा चुका है, अब वहाँ पे बम स्क्वाड का एक अधिकारी पहुँच चुका है। उसमें से किसी टाइम या कुछ साउंड सुना जा रहा है ताकि उसमें से पता चल सके कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। कुछ उपकरण के द्वारा इसे चेक किया जा रहा है, यदि कुछ उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा तो वो संकेत देता है इस तरह का।
डिटेक्टर के द्वारा आसपास के जो कचरे के डब्बे रखे गए हैं उनकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि संदिग्ध सूटकेस मिला है तो इसके आसपास ये भी देखा जाता है कि किसी और तरह की और जगह कुछ इसी तरह की चीज़ें ना रखी हों, तो उस उपकरण से जांच की जा रही है आसपास की चीज़ों की भी, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कचरे के डब्बे के आसपास और उस सूटकेस के आसपास जाकर देखा जा रहा है कि आखिरकार इसमें है क्या। यदि उसमें कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु होगी या फिर ऐसा बम या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसमें कुछ संकेतिक मिलने लगेगा। अलग अलग तरह के उपकरणों से उसे चेक किया जा रहा है ताकि उसमें यदि बम हो या फिर कोई बारूद जैसी चीज़ें हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रखा हो तो वो अलग अलग उपकरण से उसे चेक किया जा रहा है। देखिए इस तरह का सुरक्षा उपकरण है जो कि यदि उसमें विस्फोट होता है तो उससे प्रतिरक्षा कर सकता है और उसे चारों तरफ से कवर किया जा रहा है ताकि यदि उसमें कुछ ऐसी वस्तु हो जो कि ब्लास्ट हो तो उसका असर ज़्यादा दूर तक ना जा। उस सूटकेस को खोलने की कोशिश की जा रही है। ये सूट स्पेशली इस तरह से बना होता है कि ताकि बम या जैसी कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु यदि उसमें होती है तो उसके असर को वो सूट झेल सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक तार के द्वारा उसे बांधा जा रहा है ताकि इससे यहाँ से दूर ले जाया जा सके, किसी खुली जगह पर ले जाया जा सके। जिस तरह देख रहे हैं आप कि इसमें केबलिंग बिछाई जा रही है और अभी सूटकेस को एक रस्सी के सहारे से बांधा गया है और उसे खींचकर यहाँ से दूर ले जाया जा रहा है। रहा है कि जहाँ पर लोगों को यदि उसमें कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु हो या फिर कुछ बम जैसी चीज़ें हो तो उसे डिस्पोज किया जा सके। यहाँ पर उसे एक बॉक्स में डाला जा रहा है। यह एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कि ब्लास्ट का असर नहीं होता। अब इसे इसमें रख दिया गया है। देखिए BDS की पूरी मुश्तैदी से यहाँ पर मौजूद है और इस तरह की उस सूचना मिलने पर हम लोग तुरंत कंट्रोल रूम से बस स्टैंड के लिए रवाना हुए। यहाँ के चेक किया, ये हमारी मॉक ड्रिल थी जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों को देखते हुए और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, उसी का एक हिस्सा था। उसमें हमने सूटकेस को चेक किया, चेक करने के बाद उसमें संदिग्ध वस्तु मिली, जिसके पश्चात हमारी टीम ने विभिन्न उपकरणों से कन्फर्म किया, डॉग से कन्फर्म किया और बम सूट पहन के हमारे टेक्नीशियन ने उसको बम ट्रॉली में